हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चटकारा बाय आकांक्षा। आज की हमारी रेसिपी है स्टफ्ड गोभी पराठा। तो चलिए मैं आपको स्टफ्ड गोभी पराठा बनाने के सबसे आसान और सरल तरीका बताती हूँ। अब बारी है हमारे आटे की। आटा गूंथते वक्त हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे, जिससे कि हमारे पराठे स्वादिष्ट बनेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब हम आटे का डो तैयार कर लेंगे, जिसको कि हमें रोटी वाले आटे से थोड़ा सा लूज़ रखना है, जिससे कि पराठे बनाते वक्त हमारे पराठे फटे नहीं और अच्छे बने। हमने आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। चलिए तब तक हम गोभी की तैयारी कर लेते हैं। कोरोना अवेयरनेस की वजह से हम गोभी को गर्म पानी में डिप कर अच्छे से वाश कर लेंगे, और आप भी इस तरह की अवेयरनेस ज़रूर रखें। हमने अपनी गोभी वॉश कर ली है, अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। अभी हमने जो आपको ये गोभी दिखाई थी, इसको क्रश कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालकर 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जिससे कि इससे पानी निकल जाएगा, इसका सारा मॉइस्चर निकल जाएगा, तो हमारे पराठे बनाते समय फटेंगे नहीं और क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। तब तक हम आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। ये हमने लिया है जीरा, ये अदरक कद्दूकस की हुई, पीसी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, प्याज कटा हुआ और हरी मिर्च कटी हुई। हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको निचोड़कर इसका सारा पानी निकाल देंगे। आप देख रहे हैं इसमें से कितना पानी निकल रहा है। अब हमने इसमें से पानी निकाल दिया है। देखिए कितना पानी इस गोभी में से निकला है। अब इसमें हम अपने इंग्रेडिएंट्स मिला लेते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, गरम मसाला, क्रश की हुई अदरक, जीरा, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, लाल मिर्च पाउडर, और इसको मिला लेते हैं। हमने ये सारा मटेरियल अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम पराठे बनाते हैं। हमने गैस ऑन कर ली है। अब हम आपको गोभी का पराठा बनाकर दिखाते हैं। नॉर्मल रोटी की लोई से थोड़ी सी बड़ी लोई लेंगे हम। इसको थोड़ा सा बेल लेते हैं। अब इसमें हम अपना गोभी का मिक्सचर फिल करेंगे और चारों तरफ से दबाते हुए इसको बंद कर लेंगे। हमने अपना पराठा बेलकर तैयार कर लिया है। अब हम पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब इसमें हम अपना पराठा डालेंगे। जैसे हम नॉर्मल पराठा सेकते हैं, उसी तरह इसको ऑयल लगाकर दोनों तरफ सेक लेंगे। अब हमारा पराठा एक तरफ सिक गया है। अब इसको हम पलट कर ऑयल लगाएंगे। और इसी तरह दूसरी तरफ सिक जाने पर पलट कर पराठा ऑयलिंग करेंगे। हमारा पराठा सिक कर तैयार हो चुका है। अब इसी तरह और भी हम पराठे सेक लेंगे। आगे का प्रेजेंटेशन मैं आपको बताती हूँ। हमारे टेस्टी और लाजवाब पराठे तैयार।
इन पराठों का टेस्ट इस चटनी के साथ दुगना हो जाता है। अगर आप इस चटनी की रेसिपी चाहते हैं तो मैं इसको लेकर आपके पास आ जाऊंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वरना आप इसे सॉस या दही के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।